तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने जियोफाई राउटर को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने जियोफाई राउटर का SSD, पासवर्ड और यूज़र मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं, और बहुत से ऐसी चीज़ें जो जियोफाई राउटर के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे चलिए पहली शुरू बात, करते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा कि अरे यार, ऐसा हो नहीं रहा कि ऐसे मैं geofy.local.html में जा रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा। वो आएगा कैसे? अगर आप अपने मोबाइल डाटा से ये करोगे तो ये ऐसा नहीं होगा। मैं ये इतना स्ट्रेस देकर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको geofy राउटर को अपने फ़ोन से कंट्रोल करना है, तो इस राउटर में जो नेट जनरेट हो रहा है हॉटस्पॉट की थ्रू, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने जो कहा वही, जियोफाई राउटर को अपने फ़ोन से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्रोम में या फिर कोई भी ब्राउज़र पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए geofy.local.html। ओके, फिर ओके कर दीजिए। आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर आ जाएंगे, और उसके बाद आप अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे एक लॉगिन है। इस लॉगिन को क्लिक कीजिए, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो है एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। बस सिंपली लॉगिन कर दीजिए, और ये आप आ गए जियोफाई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आप यहाँ से स्टेटस, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अभी कितने लोग कनेक्ट हैं आपके वाईफाई के साथ। ये देखिए SSID मेरा है पैराडॉक्स, और अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाए तो सेटिंग्स के बाद वाईफाई पर आइए, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ये जो SSD नेम है, यहाँ से पैराडॉक्स आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हज स्पीड जो है वो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे WPS का जो पासवर्ड है, और यहाँ से पासवर्ड का टाइप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से सिक्योरिटी की आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली जस्ट अप्लाई कर दीजिए और ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ से एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, ये जो यूज़र मैनेजमेंट है, यहाँ से आप जो जो एड मैंने अभी जो लॉगिन किया एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर से, यहाँ से आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है यहाँ पे डाल दीजिए, फिर आपका जो न्यू पासवर्ड है वो डाल के अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और एक और जो बढ़िया बात मुझे यहाँ पे लगी है वो है ये WPS। काफ़ी वक्त मैंने देखा है कि जो दोस्त है वो कहते हैं कि अरे एक बार तेरा जियोफाई देखने दे, फिर उसके बाद जो उनका फ़ोन है उसे WPS पॉज बटन के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंपली WPS पर आइए, और यहाँ पे इसे डिसेबल कर दीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो WPS पॉज बटन है यहाँ पे काम नहीं करेगा। और एक बहुत ही बढ़िया बात, आप जियोफाई से सिर्फ नेट नहीं, यहाँ पे आप वाईफाई डिस्क पर जाके एकदम बढ़िया तरह से आप जो आपके जियोफाई के अंदर जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जियोफाई 32 GB तक जो SD कार्ड है वो सपोर्ट करता है, और बहुत ही अच्छी तरह से अपलोड और डाउनलोड करता है, और फाइल को रन भी करता है। तो यही है उम्मीद है आप ट्यूटोरियल। लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आप अब लोगों को एक लाइव डेमो दे देते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे वाईफाई पर गया और वाईफाई ऑन किया। अब ये देखिए, पैराडॉक्स जो मेरा नाम है मेरे वाईफाई का, वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया, और अब मैं इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैंने जो फॉरवर्ड कर दिया है इसे, अब यहाँ पे जाके मैं इसे नीचे रख देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं WPS पॉज बटन को यहाँ पे ऑन कर दूंगा, और इसे यहाँ पे ये जो WPS पॉज बटन है इसे क्लिक कर लूँगा। देखिए आप, मैंने पासवर्ड नहीं दिया है लेकिन ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट ले लिया है। ओके, ये देखिए कनेक्टेड, देख सकते हैं आप। तो अब चलते चलिए इसे हम ऑफ कर देते हैं। ये जो कनेक्टेड हो गया, अब फिर से नॉर्मली आप जैसे मैंने स्टेप दिखाया था, फिर से मेरा जो पेज है वो ऑलरेडी
यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं इसे ज़रा एक मिनट रुक जाइए। हाँ ये देखिए वेब एडिट के पेज पर आ गया मैं। यहाँ पे यूज़र नेम, ओह सॉरी ये वाला नहीं है, देखिए हम सेटिंग्स पर आ गए। और अगर आप चेंज करना चाहें जो वाईफाई का, अगर सपोज़ मैं अगर पासवर्ड चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं अभी सिंपली जो है यहाँ से ये इसको ऐसे रख रहा हूँ, ओके। फिर जा एक फिर यहाँ पे आके उसके बाद ज़रा मैं ये चेंज कर दूँ WPS का, इसे डिसेबल कर देता हूँ और फिर अप्लाई कर देता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो टावर था वो चला गया और Jio 5E जो है वो ऑफ हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सेटिंग्स को चेंज किया है वो Jio 5 यहाँ से इसको प्रोसेस कर रहा है और इसको देखिए फिर से कनेक्ट ले लिया, क्योंकि अब जो WPS पॉज बटन है वो ऑफ हो गया है। अब चलिए हम जो पासवर्ड है उसे भी चेंज कर देते हैं। ओके, हमने पासवर्ड डाल दिया कुछ भी, अप्लाई कर देते हैं। ओके, और अब अगर यहाँ पे आके काफ़ी लोग डर जाते हैं, फिर यहाँ पे ये देखिए पेज जो है वो ऑफलाइन हो गया। अब देख सकते हैं कोई घबराने की बात नहीं, ये Jio 5 अपना पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है, इसलिए इसने नेट कनेक्शन जो है वो बंद कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तो अगर आपको इस तरह का कोई पेज फेस करना पड़े तो डरना मत, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ Jio 5 अपना पासवर्ड को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो फिर से हम आ जाते हैं होम पेज पर और सारा जो डाटा है वो क्लियर कर देते हैं जो रिसेंट ऐप्स का, ठीक है। और आप यहाँ पे Jio 5 को फिर से ऑन कर लेते हैं। हाँ ऑन हो गया, अब ज़रा सर्च करके देखते हैं। ये देखिए पैराडॉक्स यहाँ पे है। अब हम फिर से पॉज बटन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये देखिए सॉरी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आप लोगों को। मैं पूरा नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर ऐसा पूरा चलता रहा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर पॉज बटन को कनेक्ट होना था तो अभी तक हो जाता, ऐसा आप लोग सभी जानते हैं। ये देखिए मैं क्लिक करके ही बैठा हूँ पॉज बटन को, लेकिन अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब जो पॉज बटन है वो इस राउटर ने डिसेबल कर दिया है, जो मैंने इस राउटर को ऑर्डर दिया था। तो अब चलिए इसको पासवर्ड से कनेक्ट करते हैं। देखिए मैंने जो पासवर्ड चेंज किया था उसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए कनेक्टेड हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये Jio 5 कैसे काम उम्मीद है करता है। कि इस वीडियो में आप लोगों का जो सारा डाउट था Jio 5 को लेकर वो मैं क्लियर कर पाया। और मैं एक बार फिर से प्रेस देकर ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जो Jio5.local.html का जो वेब पेज है उसे लॉग इन करना है, तो आप उसी Jio5 का नेट यूज़ कीजिए जिसका आप पासवर्ड या SSID चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और जो Jio5 की दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है आप WPS पॉज बटन को भी ऑफ कर सकते हैं, और जो सेकंड थिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपके फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो जाए या फिर आपके फ़ोन में स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इजीली Jio5 को कनेक्ट करके आपका जो स्टोरेज है वो Jio5 राउटर के अंदर लगा हुआ जो SD कार्ड है उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये काफ़ी ये एक टाइप का पकड़ लीजिए कि एक एक्सटर्नल SD कार्ड का गैजेट है जो आपको एक एक्सटर्नल जो बैकअप है मेमोरी का वो प्रोवाइड करता है। तो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को
देखना, ऐसे ही नए नए वीडियोस देखना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।